हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड में कई सालों से जो मसालेदार मूवीज बन रही है, अब वो मैं सारी मूवीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी जो एक कमर्शियल मूवीज बन रही जो हिट भी हो रही है, वो या तो साउथ की रीमेक है, डायरेक्टली कोई रीमेक है, या तो वो लोग साउथ की किसी मूवी से इंस्पायर होके बना रहे, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, आज हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो देखो यार, बॉलीवुड की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स है, लेकिन दो एक ऐसे स्टार्स है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इनकी जो मूवीज कलेक्शन करती है वो शायद ही किसी बॉलीवुड के एक्टर की आज भी करती होगी। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान और सलमान खान की। हालांकि शाहरुख खान ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि वो एक ग्लोबली स्टार है, इनकी मूवी पूरे वर्ल्ड में चलती है, इसलिए शाहरुख खान का बारे में हम लोग इतना बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर रियल कोई किंग है बॉलीवुड का तो वह सलमान खान, जिनकी बहुत ज्यादा चलती है। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, अगर सलमान खान के करियर पे आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उनके करियर में आते गए आते गए आते गए। लेकिन 2008 में सलमान खान की मूवी आई थी वांटेड, जिसके बाद से ऑफिशियली उन्होंने कमबैक किया। शायद ही आपको पता होगा कि सलमान खान की वांटेड मूवी भी एक साउथ मूवी पोखरी, जिसमें हमें नजर आते हैं महेश बाबू, जो कि 2006 में आई थी, उसका ऑफिशियल रिमेक थी। तो अब इसके बाद तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जो बड़ा किंग बन के बैठा हुआ है आज बॉलीवुड में, यानी कि सलमान खान, उसको भी साउथ की मूवी का रीमेक करने की जरूरत पड़ी कमबैक करने के लिए। तो आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हो कि साउथ वाले किस लेवल की मूवीज बनाते आ रहे हैं। और आज तो ऐसा हो गया कि बॉलीवुड की मूवीज और बॉलीवुड के स्टार्स कई ज्यादा पीछे हो चुके साउथ के स्टार्स से, साउथ की मूवीज से। इनफैक्ट बॉलीवुड के अब कुछ ऐसे एक्टर है जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो साउथ की कुछ अपकमिंग मूवीज में मेन एक्टर नहीं, साइड रोल करते हुए नजर आएंगे। अब ये सोच लो, जो कि वो लोग ए स्टार है बॉलीवुड के। यार एक चीज है जो आप लोग भी सहमत हो गए और मैं भी हूँ, कि बॉलीवुड में अच्छे स्क्रीन राइटर्स नहीं है और उसके जिम्मेदार प्रोड्यूसर्स और बिग एक्टर्स है। अगर कोई भी राइटर अच्छी कहानी पर मूवी बनाना चाहता तो एक्टर लोग अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चेंज कर देते। सच बात यह है कि किसी भी प्रोड्यूसर और एक्टर को कोई खाली पेज दे दे ना पेन के साथ और बोले ना भाई दो सीन लिख दे या दो डायलॉग ही लिख दे, तो वो घंटा नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है उसमें, तो उसको वो लोग चेंज कर देते हैं, वो लोग अपने हिसाब से डाल देते हैं, और इस वजह से वो मूवी चलती नहीं। तो अब क्या हो गया, कई सालों से बॉलीवुड भेड़ चाल पर भरोसा करता है, यानी कि उसको ऐसा रहता है क्या साउथ की ये पर्टिकुलर मूवी चल गई। अब साउथ की मूवी यार हमारे हिंदी बेल्ट वाले तो नहीं देखे ना, तो वो लोग क्या करते, सीधा वहां से मूवी उठाते और यहाँ पर उसको बड़े एक्टर के साथ बना देते। उसका एग्जाम्पल था जैसे कि आपने विक्रमागुडू, जो कि रवि तेजा की मूवी 2006 में आई थी, उसका रीमेक मूवी हमने रौड़ी राठौर 2012 में देखी। यानी कि जो चीज साउथ वालों ने 6 साल पहले कर ली, वो चीज बॉलीवुड वालों ने 6 साल बाद की, वो भी रीमेक, और उसको हम हिंदी ऑडियंस वालों ने 300 करोड़ पहुंचा दिए। इतना ही नहीं, रेडी पिक्चर भी पहले साउथ में बनी थी, और जो चीज कबीर सिंह, उसकी भी अर्जुन रेड्डी साउथ में बन चुकी थी। और इतना ही नहीं, नैनी जो कि सुपरस्टार है तेलुगु का, उनकी मूवी जर्सी का वापस से, जो आप कुछ महीनों में हम लोग देखने वाले, जिसमें शाहिद कपूर फिर से नजर आने वाले। तो ये क्या है, ये एक चीज है बॉलीवुड की जो बॉलीवुड को अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं बदले तो अब ट्रेन हाथ से छूट गए समझो। क्योंकि ओटीटी आने के बाद जो ऑडियंस है उनके पास वैरायटी हो गई देखने के लिए। इतना ही नहीं, साउथ की मूवीज को अब वो लोग सबटाइटल की मदद से देख रहे हैं, और इसी वजह से केजीएफ चैप्टर वन, जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई थी, लेकिन अब ओटीटी आने के बाद केजीएफ को जब मर्जी से तब हम लोग बैठ के अपने घरों में देख सकते। तो इसके बाद से, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद से, अब मुझे नहीं लगता कि रीमेक बनाने का कोई सेंस बनता है। सीरियसली कोई सेंस बनता है क्या, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, ओटीटी एप्स के अलावा यूट्यूब और सोनी मैक्स तो थे ही, जहां पर हम लोग साउथ की मूवीज हिंदी डब में देखते थे। खैर, आज की तारीख में कंटेंट को किंग माना जाता है, और उसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पर पुष्पा और जय भीम जैसी मूवीज को लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऑडियंस ये नहीं देख रही कि वो साउथ की मूवीज है ऑडियंस, बल्कि ये देख रही है कि भाई हमें कंटेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारा पैसा वसूल हो रहा है, जहाँ पर हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे दे रहे तो हमारा टाइम वर्थ हो रहा है। तो इस वजह से चल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई साउथ इंडस्ट्री वाले जो है, और उनके जो बड़े बड़े एक्टर्स है, जो उनके जो राइटर्स है, वो लोग आज भी ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिसमें वो लोग आम आदमी को या आम जनता को नजर में रख के बनाते हैं। अगर आप लोग कोई भी सुपरस्टार, चाहे वो रामचरण हो, जूनियर, एनटीआर हो, प्रभास हो, अल्लू अर्जुन हो,
फहाद फासिल हो, रजनीकांत हो, अजीत हो, तलापति विजय हो, विजय सेतुपति हो, इन सारों की अगर आप लोग मूवीज देखोगे तो उनकी मूवीज में कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की चीजें जुड़ी होती है, हमारे आम इंसान की जिंदगी पर वो लोग मूवीज बनाते हैं। और इसी वजह से जो नॉर्मल जो सिंगल स्क्रीन वाली पब्लिक है वो साउथ की मूवी से ज्यादा कनेक्ट होती है। वो अगर आप बॉलीवुड की मूवीज को देखोगे तो वो लोग मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस के लिए ज्यादा मूवीज बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मल्टीप्लेक्स वालों के लिए मूवीज मत बनाओ, लेकिन वो जो सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है जो लोग आप लोगों की मूवीज को उतना अलग लेवल तक पहुंचाते हैं, उनके लिए मूवीज कब बनाओगे? और यही तुम्हारी अनदेखी की वजह से आज साउथ इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो स्तर है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। और आपने अब गहराइया जो कि दीपिका पादुकोण उनकी अपकमिंग मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो वो पूरी की पूरी मूवी अश्लीलता से भरी हुई है। अब मुझे बताओ कि वो मूवी कौन सी ऑडियंस देखना पसंद करेगी, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार कंक्लूजन क्या होगा कि वाकई में साउथ सिनेमा वाले ओवरटेक कर लेंगे बॉलीवुड वालों को? इसका जवाब काफी हद तक मेरी तरफ से तो हाँ है भाई कि यस ओवरटेक कर लेंगे। इनफैक्ट उन लोगों ने ओवरटेक कर ही लिया क्योंकि आज की जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा होशियार हो गई है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी मूवीज है, उसमें कौन से एक्टर्स है, उनको ये फर्क पड़ता है कि उनका पैसा कहाँ वसूल हो रहा है। क्योंकि OTT के आने के बाद हमको है ना आदत हो गई घर बैठे कंटेंट देखने की, हम लोग थिएटर में क्यों जाए फालतू की मूवीज देखने के लिए? तो इसलिए ऑडियंस भी आप उन्हीं की मूवीज देखेगी जिस पर उनको पूरा भरोसा है कि हाँ भाई ये कंटेंट डिलीवर कर सकता है, तो इसीलिए वो थिएटर तक जाएगी। और बॉलीवुड वाले ऐसा कर नहीं रहे और यही एक वजह है कि साउथ के जो एक्टर्स थे जो साउथ तक ही सीमित थे अब वो लोग पैन इंडिया स्टार बन गए। और प्रभास जो कि कल तक 5 करोड़ 10 करोड़ लेने वाला बंदा आज 150 करोड़ ले रहा है और उसकी अगली मूवी है संदीप रेड्डी वांगा के साथ, उसने 150 करोड़ का डिमांड किया। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, अब ये टाइम आ चुका है कि भाई बॉलीवुड को जागना पड़ेगा, अगर वो नहीं जागेगा तो बॉलीवुड को भागना पड़ेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आपको क्या लगता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।